रास्ते में हैं, ट्रेवलिंग कर रहे हैं happy उनको कहना चाहेंगे सेफ ट्रेवलिंग एक्चुअली कहना चाहेंगे जी हाँ, ना। हाँ, अगर अभी भी अपने इन किया है, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू मॉर्निंग यस ऑफ कोर्स मौसम भले साथ दे ना या ना दे लेकिन हम तो साथ देंगे आपका देखो और वीडियो लिंक के जरिए हम लोगों के साथ जुड़ गए गुड मॉर्निंग कहना चाहेंगे जी मौसम चाहे जैसा भी हो आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में so just और आज है ऑफकोर्स वेन्सडे आज तारीख जो है ट्वेंटी सेकेंड मार्च आज ऑफकोर्स रामनवमी का पर्व जो है आज से शुरू हो रहा है और हमें पता है कई जगह पर प्रोग्राम वगैरह होगा और जैसे जैसे हमको अपडेट मिलेगा वैसे वैसे हम जानकारी भी आपको देते चलेंगे right. बट इतना कहना चाहेंगे यार मौका मिले एक बार कभी कभी धर्म कर्म में भी अपना योगदान देते चलो ना मिले हाँ ऐसे जो रिलीजियस गैदरिंग्स होते हैं कहीं भी आप जाएंगे कोई हाँ. भी रिलीजन में आप जाओगे तो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई जाती बताये exactly. और ये, सोशल आपके सोशल यू नो आउटलुक के लिए है तो बस फॉलो करो इट्स इट्स बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ जहां पर हम जाते हैं कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं और जो क्या कहते हैं नॉलेज है एक दूसरे से बांटते हैं yeah. फिर कैसे उसको जिंदगी में लाने की कोशिश करते How? हैं हाउ डू यू अप्लाई इट इन योर लाइफ इन योर लाइफ एंड सो दैट यू बिकम वन ऑफ द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट आप कहा जाएंगे मैं hmm. मैं तो यहीं से बताते रहूंगा यहीं से प्रचार करते रहूंगा <laughs> सबसे What? बड़ा प्रचारक तो मैं हूँ wow. हाँ. दुनिया भर को प्रचार करते हैं बताते रहते हैं और लोगों को यही देखो हमें अभी इनवाइट तो कई जगह से आता रहता आ, है अनिल जी ने आपको इनवाइट किया है अनिल ने इनवाइट किया है।, हाँ, हाँ, में है अच्छा उन्होंने राम नवमी है, है, है उनके घर पर Uh, तो आपको इनवाइट किया है ओके okay, अनिल, आपने इतने प्यार से बोल दिया अगर ऑफ़ uh, कोर्स तो क्यों नहीं? एक दो रोज तो जरूर आएंगे uh -huh. हाँ आपके इलाके में वैसे क्या होता है uh, विशु हमको अक्सर देते रहते हैं uh, कि इनवाइट कर रहे हैं यहाँ पे होगा वहाँ होगा प्रोग्राम अच्छा और uh, नहीं उन्होंने लिखा नोट एट माई प्लेस मैडम राइट चीज पढ़ना अभी रोम जगह तुम मुझे भेज दोगे अगर उनके घर पर पहुंच गया हाँ हा। और कुछ नहीं हुआ तो अच्छा वो अश्विन कुमार के घर पर है अच्छा तो अ, अनिल जी ने आपको इन्वाइट किया है शायद <laughs> उनका मंडली होगा वो ऑल द मंडलीउट देर देखो यार वो संगठन जो होता है मैडम जी Uh, जब लोग सत्संगत में बैठते हैं mm -hmm. धर्म के बारे में बातचीत करते हैं शेयर करते हैं नॉलेज बांटते हैं mm -hmm. और uh, चिटचे होता है डे टू डे लाइफ के बारे में बातें करते हैं इन देन ऑफ कोर्स गाते हैं बजाते हैं बहुत ही oh. अच्छा लगता है स्पेशली व्हेन यू हैव किड्स उनको उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए किड्स क्या करेंगे वो तो हर वक्त फोन पे ही रहते हैं नहीं वही जगह पे तुमको तो फोन पर से हटाना है हाँ, 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 अच्छा। तुम तो फोन यूज कर सकते हो बट आफ्टर ऑल दोस्त थिंग्स ओके राइट वो फोन पे तो एवरी डे रहता है ये हाँ। बड़ा नेक कार्य होता है आई नो फ्री में आपको ज्ञान बांटा जाएगा exactly. तो उसको बस बटोरो ना बस हाँ, हाँ। हाँ। ऐसा ही है और उनको इन्वॉल्व करोगे जब तो वो भी फील करेंगे की आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ इट फील right. करेंगे और बताओ अच्छा मैं कुछ बताना चाहती हूँ लोग आते हैं अपना जिंदगी जी कर चले जाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा हटके रहते हैं हटके कैसे आ, ये जो लोग हैं पर्टिकुलरली ऐसे लोगों को आ, आप देखोगे इनको कहते हैं कि हाई वाइब्रेशन वाले लोग मतलब की ये इनमें कुछ अलग सी बात रहती है और कैसे अलग से बात रहती है ये जो लोग हैं इनके आसपास में एनिमल्स जो है वो सेफ फील करते हैं कोई भी कुत्ता होगा या बिल्ली होगी या कोई भी एनिमल होगा इन लोगों के सामने आसपास में वो सेफ फील करते हैं और दूसरा पॉइंट ये है कि जब ये लोग चलते हैं तो लोग उनको पब्लिक में स्टे करते हैं ये लोग जो जो ये हटके लोग होते हैं दे विल ऑलवेज फील कि स्ट्रेंजर्स की आंखें उनका उन पर ज्यादा रहती है आई यू आई यू वन ऑफ देम मतलब लोग आपको करते हैं हाँ oh, okay, okay, करते हैं बट शायद इस कारण से बिकॉज पहचानते होंगे ना पहचानते हैं है वीडियो या फिर पे रेडियो पर, पर सुनते हैं राइट हाँ और रैंडम स्ट्रेंजर्स आकर आपसे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और अपना लाइफ का स्टोरी बताने लगते हैं अगर आपने ये महसूस किया है तो जान लो कि आप थोड़ा हटके हो चौथा है कि जब आप एक रूम में चल के जाते हो तो आप फील करते हो कि एनर्जी शिफ्ट हुआ है मतलब कि रूम का एनर्जी जैसे भी था oh. आपको देखकर आपके एंट्री के कारण से एनर्जी थोड़ा शिफ्ट हुआ है लोग थोड़ा ऐसे अपने चेयर पे ऐसे करके यू you नो know, थोड़ा एडजस्ट uh -huh. करते हैं आपको ताकते हैं और लास्ट वाला पॉइंट ये है कि जो टॉक्सिक लोग है uh -huh. आप उनको इरिटेट करते हो oh. मतलब की बिकॉज टॉक्सिक है ना वो uh -huh. लोग और आप अपने यू विल बी योर और खटाक से उनको जवाब दे देते हो या कुछ रोंग है सेम टाइम आप मुंह पे बोल देते हो right, right. तो दोस्त तो थिंग्स टॉक्सिक पीपल को नहीं पसंद है तो टॉक्सिक पीपल आपसे इरिटेट होंगे ओह oh. यस yes. तो अच्छा। ये ये सब पांच पॉइंट्स हैं हाँ। टू नो कि आप एक पॉइंट है हाँ। और आपको ऐसा बनने की कोशिश करो बिकॉज हमें बस ये एक मीडियो का लाइफ नहीं जीना ना कि आए अपना लाइफ जिए और चल दिए ऐसा करो कि लोग आपको हर वक्त रिमेम्बर करेंगे क्या बात है मैडम तुम इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से लेकर आती मैडम मैं मैं बताती हूँ की मैं स्मार्ट हूँ अच्छा <laughs> किसने बताया तुम स्मार्ट हो मैं का ये बात भी बता दो आप तो कभी बताते नहीं है मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी ऐसा कभी लग जाता है हां शायद स्मार्ट हो <laughs> नहीं ठीक है आई फील यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन मैडम विद डू रिस्पेक्ट मैडम अच्छा थैंक यू बट ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विल बी बैक विद अनदर वीडियो लव यू बाय बाय